हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक घर का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा कि सबमिशन ट्रेन के में कैसा ब्लूप्रिंट तैयार होता है बिल्डिंग का, जो कि नगर निगम नक्शा के पास करने के लिए बनाया जाता है। तो उस विषय में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि सबमिशन ड्राइंग का ब्लूप्रिंट कैसा होता है। आज कंप्लीट मैं आप लोगों को वर्क थ्रू करवाऊँगा और इस वीडियो में दिखाऊँगी कैसे सबमिशन ड्राइंग बनाया जाता है और उसका ब्लूप्रिंट किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने है एक बिल्डिंग है हमारे क्लाइंट का और उसका ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है और सबमिशन ड्राइंग को मैंने इस तरह से जमा किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका नक्शा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नक्शों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हमारे स्टार्टिंग में, अभी का जो रूल है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ नगर निगम। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर का भी नॉर्म से ये है, बिल्डिंग पास कराने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर का पूरा पार्किंग होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ पे 603 फीट स्क्वायर फीट का पार्किंग एरिया है पूरा सा ये। और यहाँ पे स्टेयर है जो कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग फर्स्ट फ्लोर के बारे में। फर्स्ट फ्लोर देखिए, यहाँ पे डायमेंशन सबका मेंशन है दोनों तरफ, और पीछे से यहाँ पे बेडरूम है जिसका साइज ये स्क्वायर फीट चेंज बाय 10 फीट है। इसका ये एक बेडरूम यहाँ पे है जो कि 10 फीट चेंज बाय 10 का है। ड्राइंग हॉल है जो कि 16 फीट बाय 9 फीट 6 इंच का है। किचन है 6 फीट बाय 9 फीट 6 इंच। यहाँ पे टॉयलेट है 6 फीट बाय 10 फीट 7 फीट 6। और ये स्टेयर्स हो गया। और सेम जो चीज़ है वो हमारे थर्ड फ्लोर पे है। तो ये तो हमारा हो गया मैप, सबमिशन ड्राइंग का मैप हो गया ये। और यहाँ पे मैं आपको सेक्शन बी भी दिखाऊंगा कि बीच में से काट के कैसे सेक्शन बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये है इसका सेक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हाँ, ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड का है, ये थर्ड का है, यानी कि पूरे टोटल चार फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो ये सेक्शन ए है। देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे लिंटर दिखाया, शो कराया है। यहाँ पे आरसीसी का छत स्लैब दिखाया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सब कुछ दिखाया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको एक ही चीज़ दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि आपने स्टेयर कैसे बनाया। तो स्टेयर यहाँ पे है, यहाँ पे किस तरह से कॉलम का प्लेसिंग किया गया है, यहाँ पे किस तरह से बीम है, उस तरह से मैंने दिखाया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइट प्लान स्केल, जो कि इसका रेशियो है वो 1 इंच बाई 16 फिट, जैसे 16 फिट। हाँ देखिए, सेफ्टी टैंक का प्लान ऑफ सेफ्टी टैंक एंड सेक फिट, इस तरह से सेफ्टी टैंक का प्लान है। ये प्लान हो गया, इसका फ्रंट एलिवेशन डिटेल्स हो गया, ये सब फिट हो गया। ठीक है, और कॉलम का प्लेसिंग कैसे होगा वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। ठीक है, इन्फोर्समेंट स्लैब कैसे है उसका डिटेल है। यहाँ पे प्लॉट का पूरा गिरनी पोखर रोड 20 फीट रोड है, किस तरह से यहाँ पे मोहल्ला रोड है, यहाँ सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ये जो हमारा प्लॉट हो जाए वो होगा ईस्ट फेसिंग। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका फ्रंट एलिवेशन भी बनाया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन है। देखिए ये फ्रंट एलिवेशन है। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन ये है, यहाँ पे ये साइड एलिवेशन है। इस तरह से मैंने इस चीज़ को मेंशन करा है। और देखिए एरिया स्टेटमेंट में पूरा दिया गया है किस तरह से इनका पूरा एरिया है। इनका एरिया है 1030 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का बिल्डअप एरिया 152 स्क्वायर फुट, सेकेंड फ्लोर का बिल्डअप एरिया क्या है 677 स्क्वायर फीट, टोटल स्क्वायर टोटल जो इसका है बिल्डअप एरिया है वो है 2050 यानी 2050 स्क्वायर फीट। यहाँ ओपनिंग शेड्यूल वगैरह हर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह हर चीज़, बिल्डिंग प्रपोज्ड रेजिडेंशियल स्ट्रीम बिल्डिंग बिलोंग्स टू जितने जो ओनर्स का नाम है, तो हर चीज़ मैंने यहाँ पे दिया है अपना कंसल्टेंसी वगैरह इंजीनियर का नाम सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है। तो इसके बाद जो है ये बनता है हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का या फिर अपना कमर्शियल बिल्डिंग। तो ये हुआ हमारा ये ब्लूप्रिंट। तो समझ गए होंगे आप लोग कि ब्लूप्रिंट कैसा बनता है
और हमें अच्छा हमें हमें लगा कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे ये ब्लू प्रिंट, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने का सोचा। थैंक यू सो मच गाइज, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच गाइज।